नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। तेजस्वी यादव आज अपने पिता लालू प्रसाद यादव से मिलने के लिए पहुंच गए हैं। ये तस्वीर देखिए जो हम अपने तक पहुंचा रहे हैं। कल तेजस्वी यादव नहीं पहुंचे थे रांची, क्योंकि फ्लाइट थोड़ी लेट हो गई थी और वह समय से नहीं पहुंच पाए थे। जो प्रोटोकॉल है उस प्रोटोकॉल के तहत वो नहीं पहुंच पाए थे। और आज की तस्वीर दिखा रहे हैं हम आपको। तेजस्वी यादव जेल प्रशासन के विशेष अनुमति के बाद अपने पिता लालू प्रसाद यादव से मिलने के लिए रिम्स के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और ये तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं। लगातार जिस तरीके से तेजस्वी यादव बिहार की राजनीति में हमला बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं कि छठ के बाद उम्मीद है कि राष्ट्रपति शासन लग जाएगा बिहार में। ऐसा क्यों कह रहे हैं ये तो हम नहीं कह सकते हैं। थोड़ी देर पहले हमसे बातचीत करते हुए राज्यसभा सांसद मनोज झा ने भी इसके जो संदेश है वो पहुंचाए हैं। उन्होंने साफ साफ कहा है कि जो बिहार में इस वक्त चल रहा है वो ठीक नहीं चल रहा है। उनके विधायक भी लगातार ये कहते रहते हैं। और कल आपको पता होगा बिहार में 5 विधानसभा व 1 लोकसभा की सीट पर उपचुनाव भी होना है, तो कल के लिए अभी से क्या तैयार होने जा रहे हैं तेजस्वी यादव? कल 5 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव होना है। कल एक बड़ा दिन है महागठबंधन के लिए और एनडीए के लिए भी। एनडीए की तरफ से अगर हम बात करें तो प्रिंस पासवान जो समस्तीपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, लोजपा के कैंडिडेट हैं। वहीं अगर हम बात करें उनके सामने अशोक राम हैं। लगातार बिहार में महागठबंधन पर अटैक कर रही एनडीए सरकार ये कह रही है कि महागठबंधन खंड खंड बढ़ जाएगा। एनडीए के नेता लगातार ये कह रहे हैं और देखने को भी मिला है, क्योंकि महागठबंधन की ओर से बहुत सारे प्रत्याशी उतार दिए गए हैं। कुल मिलाकर कल 51 प्रत्याशियों का जो भाग्य है वो ईवीएम में कैद हो जाएगा। लेकिन चुनाव कल है। आज विशेष अनुमति लेने के बाद जेल प्रशासन के द्वारा तेजस्वी यादव रांची के रिम्स अस्पताल में पहुंच गए और सीधी तस्वीरें लाइव स्ट्रीम आप तक पहुंचा रहा है। देखने वाली ये बात है कि बाहर निकलकर तेजस्वी यादव क्या कुछ कहते हैं, क्या वो अपने पिता से जीत का मंत्र लेते हैं, क्योंकि एक लंबे अरसे के बाद तेजस्वी यादव वहाँ पहुँच रहे हैं लालू प्रसाद यादव के पास। और बड़ी बात यह है कि तेजस्वी यादव ने कल भी जिस तरीके से अटैक किया है नीतीश कुमार के ऊपर, ये कहा है कि अमित शाह ने सिर्फ अभी यही कहा है कि 2020 में जो चुनाव लड़ा जाएगा वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। लेकिन उन्होंने ये बिल्कुल नहीं कहा है कि नीतीश कुमार सीएम होंगे। आपको पता होगा जब एनडीए की सरकार बनी है हाल में ही 2019 में, उस वक्त नीतीश कुमार की जदयू को सिर्फ एक सीट का ऑफर आया था और वो नीतीश कुमार ने ठुकरा दिया था। तो क्या ऐसा कुछ अगले साल भी होने वाला है या इस साल, जिससे कि तेजस्वी यादव लगातार भविष्यवाणी कर रहे हैं वैसा कुछ होने जा रहा है? अब तेजस्वी यादव अंदर पहुंच चुके हैं। देखने वाली बात यह है कि अंदर से जब वो मुलाकात करके निकलते हैं तो क्या कुछ कहते हैं। आप लाइव स्ट्रीम देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद। Thank you.